हेलो यूट्यूब फैम, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब भाई ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि शर्जील ने पिछले व्लॉग में मुझे दिया था चैलेंज कि मैंने 24 आवर्स टेरेस के ऊपर स्पेंड करने हैं। और हमारा डिसाइड ये हुआ था कि अगर हमारे व्लॉग के ऊपर 10 कमेंट हो जाएंगे तो हम लोग ये चैलेंज करेंगे। मैं और मेरे साथ शर्जील भी इस चैलेंज में शामिल होगा। तो भाई साहब 10 से ज्यादा कमेंट हो चुके हुए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 24 आवर ऑन टेरेस पे चैलेंज। अभी टाइम दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम कल के 3:30 बजे तक ये चैलेंज कंटिन्यू करेंगे। आपके भाई की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हम लोग ये चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग रोहर में रहते हैं उनको पता भी होगा भाई साहब, सर्दी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अभी भी चेक करें भाई साहब, सुबह से सूरज नहीं निकला हुआ, अच्छी खासी ठंड हो रही है और अभी थोड़ी देर तक फोग भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो भाई साहब बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे इस टेरेस के ऊपर स्पेंड करने हैं, तो डेफिनेटली हमें सर्दी से बचने के लिए कुछ ना कुछ सामान भी चाहिए होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर जाके अपना मैट्रेस शेट्रेस खाने पीने का सारा इंतजाम और अपने खेलने के लिए रैकेट शटल लूडो जो कुछ मिलता है सारा कुछ उठा के लेके आते हैं। लकड़ियां भी लेके आते हैं। मार्चमान तो भाई साहब हम लोग ले आए हैं अभी से ही, भाई मेरी हालत टाइट हो गई अभी इस चैलेंज में, पूरे के पूरे 24 घंटे ही अभी इस चैलेंज में पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ 10-15 मिनट गुजरे हैं और भाई साहब अभी से हमारी हालत टाइट हो गई है। तो जल्दी से हम लोग अपना ये सारा सामान सामान भाई सारा सामान तो ठीक है, ये झाड़ू किस लिए लेके आए भाई साहब? झाड़ू से हम पतंग उड़ाएंगे यहाँ पे। अच्छा पतंग, ये यहाँ पे और क्या करना भाई साहब, गेम्स खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, रैकेट शटल खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, मूवी भी देखेंगे, मेरे पास नेटफ्लिक्स भी है। चलो भाई इसको सेट वगैरह करते हैं। चलो भाई चलो भाई साहब, सामान शमान तो सारा सेट हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, मैं तो लगा हूँ सोने भाई साहब। भाई साहब किधर रहे हो यार, ठंड बड़ी है यार, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। उठो उठो भाई साहब, ये पकड़ो जा भाई साहब, बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारी जैकेट ले लूंगा। वजह किस खुशी में भाई साहब, सर्दी बारी, ये देखो ना ये काम ठीक है वैसे, ऐसे करके चलो भाई साहब पता सामान ये पकड़, ये तिंके पकड़ ठीक है, यहाँ से मैं ये भी सामान पकड़ लेता हूँ। चलो भाई साहब यहाँ पे बैठ के पतंग बनाते हैं। क्या बात है बच्चा, ओहो तेरे में जिम आ गए। वो किधर है? क्या टेप ये है? नहीं नलकी वो पड़ी हुई है। हेलो नलकी भी लेके बच्चा, अभी आपको पतंग बना के दिखाऊंगा और उड़ा के दिखाऊंगा। ओहो अभी उंगली तड़वाने लगे थे। एडवेंचर है भाई साहब, वैसे इस तरह की व्लॉग करने का मजा आ रहा है यार, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। ये बुर्ज खलीफा की टॉप पे चढ़े ना ना चलो भाई साहब फटाफट हम लोग अपनी पतंग बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने बनाई थी लेकिन हमारी पतंग उड़ी नहीं थी, वो शेरियार भाई ने बनाई थी, अब मैं बनाऊंगा ना उड़ेगी। फाइनली भाई साहब हमारी पतंग उड़ने के लिए तैयार है। ये काम तो रह ही गया है, इसका तो चाप तो काटने का चाप इसका भाई साहब अब तिलियावा डालते हैं, तिलियावा इसका डबल करके डालते हैं भाई साहब, डाले हवा बहुत तेज है, हमारी गुड्डी उड़ ना जाए, हाथों पे टेप ही लगा लेते हैं क्योंकि कटना लग जाए। हवा इतनी तेज है, हम बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पतंग उड़ाने जा रहे हैं, इतिहास में सबसे बड़ी पतंग उड़ाई शर्जील मेमन वर्सेस कराची। शर्जील मेमन वर्सेस कराची पे चल, आई है ब्रिटिश पासपोर्ट ब्रो, वो आई है तो ये पतंग मैं उड़ाऊंगा ब्रो, आप नहीं उड़ाऊंगा ब्रो, मैं उड़ानी भी आती है ब्रो, मैं अपने पापा को ले आऊंगा ब्रो, ब्रो नहीं ब्रो मैं ब्लो मैं ब्रो। ए बोलो ये छोटा नहीं बन गया मेरे ख्याल से ब्रो, आपको कोई काम करना आता है छोड़ दो ब्रो, आप बर्गर ही लोगे हमेशा ब्रो, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी को फोन करो ब्रो, ब्रो इसको पकड़ो ना तुम जरा ब्रो, ये ठीक है ठीक है ये ठीक है। चलो भाई साहब फिर इसको ही डालते हैं, ये देखो तिनका मिल गया हमें। दे भाई तुझे नहीं आता कोई काम करना, मैं भाई साहब प्रोफेशनल हूँ, मैं सारी उम्र पतंग लूटी है दूसरों की छतों से जा जाके, भाई साहब पतंग ही दे दो, पतंग मांगी है लूटी नहीं है आपने, मांगी है सारी जिंदगी आपने इधर से। ये नाना उड़ी शर्जील साहब, फिर हम मैं कहता हूँ छोड़ दे, फिर लोगों ने कहना बस ये शोही मारते हैं, इनको कोई काम नहीं आता। नहीं नहीं भाई साहब ये उड़ा के दिखानी है बाद में, एक और चैलेंज दे दिया मैंने शरियार भाई को, बैठे बैठे दो चैलेंज के अंदर, चैलेंज चैलेंज के अंदर
तो भाई साहब अभी दूसरा चैलेंज दे दिया है, तो 5 मिनट का टाइम होगा आपके पास, 5 मिनट में आपने चांद के पास भेज देनी है, बताना। अच्छा, वो जहाँ जाती है वो एक ना, एक मैंने जुगत सुनी हुई थी, वो एक ना आता है फकीर आता है किसी के घर मांगने, वो कहता है अल्लाह के नाम पे चंदा दे दो, ठीक है, वो पता नहीं उसकी अम्मी पता नहीं निकल के बाहर कहता है भाई चंदा तो कह रहे हैं नहीं रुखसाना ले जाओ। भाई ये सारे रात आप जो जितने सुनते रहते हो ना, सारे रात सुनते नहीं, सुनता नहीं भाई साहब, ये यहाँ से भी डबल गिरा लगाओ यार, लगा दिए अब इसको ऐसे करके, भाई मुझे लग रहा है इसका कचाप नहीं निकला अभी ब्रो, ओ चांद निकल गया। हां ब्रो ये भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब लग रही है ब्रो, साइड पे हो जाओ, वो मुझे पकड़ा कहां, क्या बकराऊं, नलकी किधर चलेगी भाई, चिरखनी है हमारी, चिरखली भाई साहब, इसको डाल दे इसके अंदर, शरीर साहब पेचा लगाना मेरे साथ, पेचा नहीं लगाना मैंने, मैंने आपकी कार देनी है, अपनी बना ले, जिस तरह वो क्या कहते हैं इसको, ये देखो भाई साहब, ये डील देने के लिए चरखी बना के खड़ा होना साइड पे, चलो भाई साहब हवा किधर की है पता नहीं, साइड पे जा, साइड पे जा, साइड पे जा, नहीं ये अब ये किस तरह, इस तरह वो भाई को कहते हैं भाई जान कर नहीं देना यार, उधर तक जाएगी तो सो देंगे ना, चलो साइड पे जा, साइड पे, हवा किधर की है, हवा की साइड की है, इधर उधर की है, चलो भाई साहब साइड साइड पे हो जाओ, आज कहा नहीं आपने हवा में, 5 मिनट का दोबारा सही नहीं बनी, ट्राई करते हैं, मुझे लग गया पता भैया किधर जा रहे हैं, इधर ही छोड़ यार, चेक भाई इसके ऊपर खड़े हो गए, यार मेमन छोड़, चलो चलो, हाँ उड़की 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 यार, इसका तलामा बहुत बड़ा है। कैमरामैन को देते हैं अब इजाजत, कैमरामैन के एकेडमी का टाइम हो गया, चलो भाई साहब निकलो यहाँ पे, मैं बस 2 मिनट के अंदर आया और मैं चैनल को आगे ज्वाइन करता हूँ, चैनल को कहते हैं चैनल को आगे ज्वाइन करता हूँ, सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन ना करी जल्दी, जा तेरे सर को मना करते हैं, छुट्टी ना दे, चलो भाई साहब उड़ाओ 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 उड़ाओ, वो देखो बच्चा भी व्लॉगिंग कर रहा है, मैं देख के वो घर के अंदर, कौन था वो सामने घर के लोन में देखना था आपने, अब चला गया, हाँ कर रहा है कोई व्लॉगिंग, नहीं वो वैसे कोई वीडियो बनाता होगा, चलो चलो उड़ा दो, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, छत के ऊपर जा रही है, ये आपसे नहीं उड़नी, आप इधर आ जाओ, मुझे छोड़ दो, ऊपर जाके उड़ानी पड़नी है, नहीं भाई टेरेस का चैलेंज, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, टेरेस का चैलेंज है ना भाई साहब, टेरेस से कहीं नहीं जाऊंगा, अच्छा क्या करने लगे हो भाई साहब, एक मैजिक करते हैं, मैजिक कौन सा मैजिक करने लगे हो, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ओहो अब देखी तुम्हें पतंग उड़ा के नीचे फेंकूंगा, नीचे से तू पकड़ ली, ठीक है, अच्छा चलो इस तरह करके देख लेते हैं, फिर भी ना उड़ी आपसे तो फिर क्या, फिर भी ना उड़ी, फिर तू उड़ाई, चलो ट्राई करो आप, लास्ट ट्राई है आपके पास, मैं इसके ऊपर खड़ा हो ये पिलर के ऊपर, इसके ऊपर भाई जितनी तेज है वहां आपने उड़ जाना, खुद ना उड़ जाना पतंग के साथ, और भाई साहब घर वालों से क्यों तूने हमें मार पड़वानी है, गद्दे के ऊपर तू अपने गंदे पांव लेके जा रहा है, सुबह से जो तूने 2-4 दिन हो गया धोए नहीं है तूने, अब ये देखो बंदर बन गया, बंदर बन गया भाई साहब, उल्टे ही काम है आज, ओए होए ओ भाई ओ ध्यान से भाई गिरना जाना, वो चले गए भाई चले गए, अब भी ना उड़ी ना तो अब फिर आप पे ऊपर, मैं नीचे आ गया मुझे पकड़ नहीं नहीं ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है, इधर से ही उड़ा दो, यहाँ पे जाना पड़ेगा, चलो इतना ऊपर चले गए हो मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है आपको, एक मिनट यहाँ से उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो, यहाँ से अभी भी नहीं उड़नी यहाँ से, जिस तरह की आपके हालात मुझे लग रहे हैं, नहीं नहीं अभी अभी ये देखिए अभी उड़ेगी, हाँ चलो चलो उड़ा दो, 10 गेंद तो उड़ जाएगी, एक याला पा के दर रख, दो दो ये नहीं उड़नी, ओ भाई तेनू तेरे खुदा का वास्ता ही, तेनू तेरे बड़िया का वास्ता ही थले आई है, 2 घंटे हो गए तू लगा जलील किया, तू तेरे को उड़न दे नहीं है, थले आ थले नाल दिन घर से उड़ती थले आ भाई, 2 घंटे हो गए लगा होगा, उड़ नहीं रही नीचे आ, तेरा नीचे आ तुझे मैं बताता हूँ,
अब मैं आपको बताता हूँ भाई किस तरह उड़ेगी वो नलकी पकड़ो आप भाई भी धो लेना अगर गंदे हो गए। हाँ पैर भी धो लो अपने गंदे, मुंह भी अपना गंदा धो लो, सुबह से धोया नहीं आपने, जुमा भी नहीं पड़ा आपने आज। हाँ चलो ये पकड़ो कैमरा आप अपना। एक मिनट रुक जा भाई, उधर तो आने दे यार, ये भी गंदा है, क्या बंदा करे, उड़ के आ जाओ। भाई बड़ों का वास्ता दिया फिर जाके ही नीचे आया। चलो भाई साहब अब ये अटका दिया आपने यहाँ, इसको यहाँ से तोड़ लेना, ये ले गंदे पाऊ घर वालों ने निकाल देना। पाऊ की हालत भाई साहब चेक करें, फुल गंदे पाऊ हो गए। हाँ इसको तोड़ लेना उधर से बांध के फिर उड़ा। अभी मैं देखता हूँ भाई साहब तू कितना एक्सपर्ट है। मैं आपको पतंगी नहीं भाई साहब तूने सही बनाई, वो कन्नी खा रही है उधर को, उड़ ही नहीं रही, कन्नी खा रही है उसको को पिन्नी खा रहे कन्नी। ओ भाई साहब मेरे पाऊ जम गए हुए हैं, इतनी ठंडी बर्फ की तरह ठंड पड़ रही है। ओहो जूता पहन लो भाई साहब, बहुत ठंड हो गई है। जूता मेरा किधर है, मेरा जूता भाई साहब पड़ा हुआ है, जूता पहन लेते हैं। अब थोड़ा सा सुकून हुआ है। नलकी अभी मैंने इधर तो फेंकी थी, नहीं नहीं ये पड़ी है यार, ये सामने तेरे पड़ी हुई है। चल अब तू उड़ा, ये पकड़ो वहां से, रख ली चरख ली, ये दे दे, ये पकड़े आप। चल ओहो नीचे ही रहने दे, इसको कुछ नहीं होता। अभी देखना अभी ये बादलों के पार जाएगी, आपको नजर नहीं आनी। चल 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 बस अभी आप देखना। ओहो क्या बात है, अभी अभी तू, मैं कहता हूँ भाई इधर इधर तू यहाँ पे जाके उड़ा, यहाँ पे नीचे शेड पे आ जा। ओहो हो भाई साहब रात के तकरीबन 5 बजने वाले हैं, बहुत हैवी वाली ठंड हो चुकी हुई है, तेरे से भी नहीं उड़नी। हवा उधर की है, जा इधर को रही है, पता नहीं क्या हो रहा। शाम हो चुकी हुई है और इतनी ज्यादा ठंड हो गई है, ओए होए हो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, और हमारा जो मैट्रेस है भाई साहब वो भी सारा उस साइड से गीला हो चुका हुआ है। ये चेक करें भाई साहब, शर्जील साहब धुंध भी होना स्टार्ट हो गया। और तूने ये क्या काम किया है, क्या किया है, वॉशरूम तूने कर दिया भाई, आपने किया सारा गीला कर दिया भाई साहब। हम तो इस तरह स्पेंड कर रहे हैं जिस तरह हमें उन्होंने घर से निकाल दिया भाई साहब। हम उस दिन दाता दरबार गए हुए थे ना, तो भाई साहब उसके बाहर देखा था, लोग यकीन करोगे दरबार के बाहर वो बेचारे ब्रीक ब्रीक चादरें लेके ना वहां पे सोए हुए थे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है यार, हम फिर भी हमें घर मिलता है, जितने भी बंदे हैं ठीक है, सबको अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ना भाई साहब सबसे कुछ नसीब बंदा वो है जो 3 टाइम का खाना खा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है। ये चेक करो भाई साहब, मुंह से धुआं निकल रहा है। मैं कहता हूँ शर्जील साहब खाना शाना खाते हैं भाई साहब, शाम हो चुकी हुई है भाई। ये चेक करो मेरा मिस्ट्री बॉक्स पड़ा हुआ है ठीक है। खाना हेलो हमारे पास कोई खाना नहीं है, हमारे पास कोई खाना नहीं है भाई साहब, आपको ज्वाइन करूंगा ज्वाइन, सारा चैलेंज हो गया, सारा चैलेंज हमने कर लिया, अब तू आगे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी क्या बात है ना, ट्यूशन अहमद बाकी बातें छोड़, मैटर ठंडा है कि नहीं, बहुत ठंडा है। तूने किया भाई साहब, तूने किया। तो भाई साहब फटाफट करते हैं हम लोग, अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं। ये चेक करें यहाँ हमने सामान शमान रखा हुआ है थोड़ा बहुत, ये लेस भी है ठीक है, और मैं हम दो बंदों का सिर्फ रखा हुआ था मेरा और शर्जील का, लेकिन ये अहमद पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा। ये जूस भी देखते हैं, वो लगा जो रात को देख रहे थे, क्या नाम, हाँ हनीमून हनीमून शर्जील, तेरे शर्जील के साथ भी भाई साहब ऐसा करना, वो हनीमून पे सारे बंदे चले जाते हैं साथ ठीक है। एक बंदे का हनीमून होता है और सारा पूरा खानदान यानी कि 15-20 लोग उसके साथ चले जाते हैं। हमारी कौन सी भाई साहब एयरपोर्ट में जमीन है ये जो हमने सारे बंदों में चले जाना। ओए मजे का था, अच्छा चेक करते हैं। ये ले जूस भी पी, भाई साहब मजा आ रहा है वैसे, मरी वाली फील भाई साहब आ रही है, यहाँ भी मजा आ रहा है। मरी जान से अच्छा ना बंदा अपने छत पे कैंप लगा लेना, वो ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आ गई आ गई, इसको ऐसे अहमद तो ऐसे पकड़ के रख, तो मैं क्या देखूंगा, ये शादी हो रही है अभी इस लड़के की, तो फिर उसको पीछे ले आया, वो शादी की रात भी वो सारे इकट्ठे सो जाते हैं। आगे 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 हमने यहाँ से सारी देखी हुई थी रात को, ये चेक करने सारे आ गए। ये वाला ये भी सीन देखा हुआ है अपने, उसका ना सबको बाहर ले जाता है पार्क में, अपने मामू को भी उधर छोड़ के आया था। ये चेक करें, ये इसका पता नहीं मामू है चाचू है, उसको छोड़ के ना वो भाग जाता है, वो भाग जाता है, उसकी जान ही नहीं छोड़ते पूरे हनीमून। अच्छा वो इससे पहले बस में पहुंच जाता है वो, ये देखना अभी क्या सीन होगा, ये खड़ा होता है वो। चेक बच गया, एक
ये इसके साथ आता है। हाँ, ये इसका हनीमून होता है। जस्ट एक मिनट रुक जा, ये अभी इंडिकेटर खुला है, वो गया है। ये वो पहले उसका मामा बैठा हुआ है। प्रैंक हो गया। ओहो भाई साहब, तेरे साथ भी मैं जाऊंगा, तू बेफिक्र है। नहीं मैं अकेला जाऊंगा, पहले मेरी शादी तो करवाओ। भूख नहीं मिलती बात भी क्यों होना, कदम से मजा आ जाए। मैं एक चीज खिलाता हूँ, जा खिला। एक मिनट रुको, कितनी देर तक आएगा? मैं 5 मिनट में आया। किधर बाहर जा रहा है, नीचे से लेके आ रहा है? बस बाइट से लेके आ, बाइट से लेके आ रहा है। चलो भाई साहब, हम अहमद का इंतजार करते हैं। उतनी देर हम लोग उतनी देर हम लोग अपना ये चिप्स एंजॉय करते हैं, और साथ साथ हम लोग हनीमून देखते हैं। आप लोग भी देखो, आप लोग हमारा व्लॉग देखें, ठीक है? ये पकड़ देखो, ये लाइट भी चला देते हैं भाई साहब, अंधेरा हो चुका हुआ है। रिंग लाइट का भी भाई साहब हमने इंतजाम किया हुआ था, ताकि वीडियो क्वालिटी जो है कि वो अच्छी आए। बाकी लूडो भी पड़ी हुई है, रैकेट शटल भी खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ, पड़ा हुआ। तो अभी अहद अली भी आता है और अहमद अली भी आता है, पहले खाना खाते हैं फिर लूडो शूडो खेलेंगे। भाई साहब बाहर नहीं जाना, ये पाऊँ अंदर ही रहेगा। इसको भाई साहब यहाँ पे लगा देते हैं। रोशनी हो गया भाई साहब, फुल हैवी वाली। हाँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा। चलो भाई, चलो भाई साहब देखते हैं, अहमद का इंतजार करते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाया, लिख के क्या? मोनाल्टो, मोनाल्टो नहीं, शंग्रीला इज। सब अहमद अली साहब भी आ चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या लेके आए हो स्पेशल हमारे लिए? गैस करो, देख तो हमने लिया ये अंडे वाला बर्गर ले लिया। ओहो, एक बात तो समझ, इधर आओ जरा। वालेकुम सलाम। चुम्मी ले ली भाई साहब, चुम्मी ले ली। ये बस कितने, दो लेके आए? मैं अपना उधर ही खाया। हेलो, हमारे लिए ठंडे करके ले आए, और अपना भाई साहब गरम गरम उधर खाया। कसम से तुम लोग यकीन कर लो, इतनी की ठंड हो चुकी हुई है। ओहो, हमारी हिम्मत है भाई साहब। हम लोग घर वाले होते, उन्होंने कुट के उन्होंने कहना था चल पुत्र अंदर, ठीक है? बढ़िया ना वास्ता जी आया ठंड। आइंदा के बाद भाई साहब आप लोग ये चली ना करना, तो फटाफट भाई साहब हम लोग खाते हैं बर्गर। का खतरा भी हो गए। तो भाई साहब अंडे, ओहो ये वाला नहीं, ये क्या होगा भाई साहब, अंदर ही खुल गए हुए हैं सारे। अहमद तू ना बंदा नहीं ठीक है, सारे खराब बर्गर ले आए और ठंडे कर दिए तूने। तो चलो भाई साहब फटाफट खाते हैं अंडे वाला बर्गर। इसको उतार थोड़ा सा। ओहो, कागज ना खा जाना, ध्यान से खा लिया आपने कागज यहाँ से? बट्टी मार्केट से। तो फटाफट खाते हैं भाई साहब बर्गर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अहद अली किधर है? पढ़ने लिखे, अहद अली के लिए नहीं लेके आया, उसके लिए भी ले जाता। तो चलो भाई साहब, अहद अली साहब भी आते हैं, उतनी देर हम लोग खाना खाते हैं, उतनी देर में अहद अली भी आ जाएगा, फिर हम लोग खेलेंगे लूडो। लूडो खेलेंगे, इनको मैंने हरा देना आज। ओहो कसम से, वैसे बड़ा अच्छे वाला एडवेंचर हो रहा, मजा आ रहा, फुल मजा भी आ रहा, पर सर्दी है यार। हाँ सर्दी है, लेकिन फिर भी ये भी तो एडवेंचर ही होता है। आप अपनी जैकेट उतार के मुझे दे दो। तू भाई मुझे अपनी जैकेट दे। हम लोग यहाँ पे बैठे भाई साहब गपशप कर रहे थे, और उतनी देर में अहद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हाँ जी भाई साहब, इतनी लेट कहाँ से आए हो तुम? पेपर होने वाले हैं, तो इसलिए लेट सर ने छुट्टी दी है। हेलो भाई साहब, इसका सर भी सही है, 4 बजे जाता, 8 बजे छुट्टी दी है सर ने। कोई नहीं भाई साहब, मेहनत हो रही है इंशाल्लाह। बदवा तो भाई साहब आ जाओ यहाँ पे बैठो। ओहो भाई साहब डांस कर रहे, सर्दी लग रही है, हैवी वाला धुआं निकल रहा है। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे अभी खेलने लगे हैं लूडो, आ जाओ वहाँ पे टीमिंग करके लूडो खेलते हैं। ठंडे पैर ना ला यार। यार 2 घंटे हो गए नीचे से ठंडे पाँव लगे। ओए अहद अली इधर ना बैठ, तू उस साइड पे जाके बैठ। अहमद तू इधर आ जा, टीमिंग करते हैं ना। शर्जील तू और अहमद हो जाओ, मैं और अहद अली होते हैं। और इस गेम का भाई साहब रूल मैं बताता हूँ, इस गेम का रूल ये होगा कि भाई साहब जो सी भी टीम हारेगी ना, उसको हमारे फैंस यूट्यूब फैमिली, ठीक है, आप कोई भी एक चैलेंज दोगे, ठीक है, और डेर भी हो सकता है, डेर दो दो, चैलेंज दे दो, जो भी मतलब ज्यादा कमेंट आए होंगे ना, वो काम लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है, जो टीम हारेगी उसको। चलो भाई साहब आजो, अहमद अली तू इधर आ जा, अंडों में बैठा हुआ है, आजा आजा इधर आजा इधर आजा। चलो आदिल साहब आप उधर बैठ जाओ, अहमद तू इस साइड पे आ जा। ये रेड वाली भाई साहब मेरी गोटियां, हैवी वाला हराएंगे तुम लोगों। हाँ ग्रीन नहीं, रेड मेरी है, नसीब में कहता ग्रीन मेरे नसीब में। बस येलो बन रही है ना, तुम लोगों ने रेड ये ले भाई, तू ग्रीन ले ले, होना कुछ नहीं है, हारना फिर भी है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता भाई साहब। पहले मैं जब छोटा होता था ना, मैं रेडी लेता था, अभी भी खैर मैं कभी कभार कहता हूँ रेडी लेनी है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई साहब ब्लू वाली मेरी होगी,
ये चार मेरी ठीक है और ये रेड शेड्यूल तेरी है, ये ब्लू भी आपकी है। आप पांच नहीं है, चल किस खुशी में भाई साहब पांच से खेलो। ये भाई साहब इधर चलो भाई साहब करते हैं स्टार्ट। चल भी अहमद से बारी स्टार्ट होगी। ओ हो हो काली दो आ गया तेरा छे दो। चल हदली हेलो तुझे देखते हैं तू क्या करता है। बाबा जी बाबा जी चार सात तीन सात। चलो भाई साहब मैं फेंकता हूँ। ओहो मेरा भी दो दो भाई साहब मनुसत पड़ गई आगे पीछे। मेरा हर दफा छह आता होता है। कह के छह लिया भाई साहब छह आ गया छह आ गया छह आ गया। चल 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 ओ छह आ गया छह आ गया छह आ गया। चलो भाई साहब चलो बोले क्या के छह चार एक पांच। ओ भाई ओ पांच छह ही नहीं आ रहा यार आज तो। ओ भाई साहब छह आ गए। अहमद अली साहब का छह आ गया। चलो अब तू भी छह लेके दिखा जल्दी से। ये छह दो काने आ गए। गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हुई है। मैं और अहद अली साहब जीत रहे हैं। ये अहद अली साहब की गोटी रेड शर्जील की थी ठीक है। शर्जील की एक रह गई है, मेरी भी काने पे पड़ी हुई है और अहमद अली साहब की दो रह गई है। तो अहद अली साहब एक हमने सिर्फ तीन नंबर चाहिए। शर्जील की घर वाली गोटी मर जाएगी। ओहो तीन ले आया तीन ले आया तीन ले आया तीन ही है। छह दो आठ घर लो नहीं मर रही भाई साहब। अभी इसकी मर जानी थी घर चले जाना। अब चले जाएगी घर चले जाएगी। एक दो तीन चार पाँच छह। हेलो तू भी घर यहाँ पे बैठ जा। मेरा भी एक रह गया और राहत अली साहब छह दो छह दो छह दो छह दो छह दो। मैंने खुद देखा है झूठ बोल रहा है चीटिंग कर रहा है। छह दो यहाँ पे नहीं आ। एक दो तीन चार पाँच एक दो यहाँ पे आ रही भाई। तुम लोग चीटिंग करते हो भाई। ओ यार मैंने मुझे पता नहीं चला यार मुझे पता ही नहीं था चला। एक से एक से काना। ओ ये मैं पुग गया भाई साहब हम लोग जीत गए। ये हम लोग जीत गए भाई साहब हम लोग जीत गए। अब भाई साहब ऑडियंस जो भी चैलेंज देगी शर्जील और अहमद वो पूरा करेंगे चाहे अल्लाह करे। ऑडियंस तुम लोग भाई साहब मेरी मानो तुम लोग इनको चैलेंज दे दो बर्फ के अंदर रहने वाला चैलेंज। चलो भाई साहब चलो तू भी भाग जा। घर वाले डांट रहे हैं। चलो शर्जील साहब हम लोग बैठे यहाँ पे मूवी शो भी देखते हैं कुछ टाइम ठीक है। उसके बाद फिर आराम से भाई साहब हम लोग भी सो जाएंगे। घर कर क्या करना है ये देखो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया ना। हाँ अभी चेक करना। हेलो एक सेकंड अभी करके दिखाता हूँ मैं। भाई साहब ये बड़ी रॉकेट साइंस है। तो चलो भाई साहब हम लोग दिखाओ ना होने नहीं आपसे करके यार। हम लोग शरीर कोई और गेम ना खेले और कौन सी। हमारे पास रैकेट भी पड़े हुए हैं लेकिन हमारे पास वो ही नहीं है। शटल ही नहीं है। बोल कल कोर्ट गए थे तो वहीं छोड़ आए थे बच्चे ले गए। एक हमारी उनके घर में सामने वालों के घर में गिर गई है ठीक है। तो इसको भी भाई साहब उठा के साइड पे किधर है। क्या आइडिया भाई ये कागज नहीं अपने पास पड़े हुए जो इनको ना गोल गोल करके इसके ऊपर टेप लपेट के इससे खेलते हैं। रहने दे भाई इसको इसके अंदर डाल मूवी देखते हैं बैठ के आराम से। कोई नई मूवी देखते हैं। और कौन सी मूवी अच्छी है भाई साहब। ये कौन सा इस टाइम भगा के जा रहा है इतने पूरी रात नहीं सोते भाई साहब। बैरियर सोसाइटी है ना सोसाइटी के अंदर लोग अभी रात के तीन भी बज जाएंगे लोगों ने चार भी बज जाएंगे लोगों ने नहीं सोना। गुजरते रहते हैं 10-15 मिनट बाद गार्ड चक्कर लगाते रहते हैं ठीक है अपना। चलो आ जा भाई साहब इसको रख दे इसको रख देते हैं यहाँ से भाई साहब आराम से लेटते हैं मूवी देखते हैं। मैं सोने लगा बहुत सर्दी है यार। तेरे पास नेटफ्लिक्स है ना या मुझे पासवर्ड दे दे। मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है। इसने पासवर्ड पता नहीं किससे लिया हुआ है। बड़े भाई से लिया हुआ है। बड़े भाई से इसने पासवर्ड लिया हुआ। मैं भी ले लूंगा भाई आज रात मुझे भी पता चल गया। खोल मूवी देख भाई मोबाइल ही मेरा मूवी ले गया था आगे। हाँ मोबाइल मुझे लगता है इधर ही पड़ा हुआ था मेरा। मेरा मोबाइल ये नहीं नहीं तेरा मोबाइल तेरे पास ही होगा। मुझे लगता है उठा गया। अहमद का मोबाइल खराब हुआ पहले भी इधर बैठ के टिकटॉक के देख रहा था। अहमद अली अहद अहमद मेरा मोबाइल दे दे जा जल्दी से मोबाइल ला के दे शकील का। बात तू भगा के ले गया ना उसका मोबाइल पकड़ के भगा के ले गया यार। एक पता नहीं ठंड से दिमाग ही लग गया पता नहीं कौन कौन से लफ्ज बोले जा रहे हैं मेरा यार। भाई साहब टू फैमिली चाय बना दो यार कोई इधर बैठे हुए हैं। चाय इलाची डाल के अदरक डाल के और साथ बिस्किट हो और साथ कहा। अहमद अली साहब भाई साहब आ चुके हुए हैं इधर दे मोबाइल यार हमारा हमें मूवी देखने दे। ये क्या कर रहा है यार ये इसको पासवर्ड किसने बताया तेरा राज भाई साहब कोई है नहीं अंदर है राज ये पकड़ यार नॉनसेंस
चंडीगढ़। चलो भाई साहब हम लोग देखते हैं मूवी, वो देखते हैं एनिमल, एनिमल नहीं ना ये होगी कोई हॉरर मूवी भाई साहब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। शदील कोई हॉरर मूवी निकाल जिसकी रेटिंग कोई 7.8 या 8 आपको 10 out of 10 रेटिंग वाली दिखाऊं। चलो भाई साहब निकालो, दिखाऊं मैं आपको वो दिखाता हूँ दी फॉरेस्ट दिखाओ, ये हॉरर है, हॉरर है। चलो भाई साहब हम लोग ये वाली मूवी देखते हैं बैठ के। हॉरर मूवी यार हम लोगों ने लगा ली है ठीक है, तो फटाफट उठ के ये मैं लाइटें शाइटें भी बंद कर देता हूँ, फुल हॉरर मॉल बन जाएगा ठीक है। ये साइडों पे भाई साहब दरख्त शख्त भी हैं, शरजील कोई चड़ेल ना आ जाए डायरेक्ट तेरे ऊपर, डरा ना डरा ना ठीक है। तो भाई साहब इसको भी यहाँ से हम लोग बंद कर देते होते हैं। ओहो चलो भाई साहब अंधेरा हो गया, ये अंदर वाली लाइटें ये भी बंद कर रहे हैं, रहने दो भाई इनको, रहने देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के चलो भाई साहब लगाओ दूसरे प्ले तो कर, कैसी है हॉरर, हॉरर भाई हॉरर सीन आया अभी आया, एक बड़ी बोट पर आवाज उच्च, हम जा रहे हैं बड़ी बोट पर, हॉरर है भाई। तो चलो भाई साहब यहाँ पे बैठ के मूवी देखते हैं। मूवी यार हम लोगों ने देख ली है, अभी टाइम रात के 11 बज रहे हैं और भाई साहब हैवी किस्म की ठंड हो गई है और लोग भी अपने अपने घरों को चले गए हैं, सन्नाटा भाई साहब छा गया हुआ है, तो हम लोगों को भी, मुझे भी भाई साहब नींद आ रही है, मैं भी लगाऊं सोने, देख के डर लग रहा है नींद ही हो रही है मेरी भाई साहब, इतनी ड्रोनी मूवी तो है नहीं थी, तू जितना एक्ट कर रहा है पे देखे ना डर लग रहा है, तरह निकला दी है। तो चलो भाई साहब हम लोग सोते हैं, आप लोगों को सुबह मिलते हैं। 2 hours later शरियार भाई उठो यार, उठो यार, रात के 1 बज गए हैं और मुझे इस टाइम गंदे वाला वॉशरूम आया हुआ है यार, उठो, सर्दी भी इतनी ज्यादा होगी आप पता नहीं कैसे सोए हुए यार, उठो ये पकड़ो मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़ा तेज वॉशरूम आया हुआ है। क्या टाइम हुआ है भाई साहब? 1 बज रहे हैं रात के, उठो यार, उठो 1 बज रहे हैं, मुझे इस टाइम बहुत गंदे वाला वॉशरूम आया, मैं पूरी रात कसम से सोया नहीं हूँ, कभी इधर कभी इधर, नींद ही नहीं आई, सर्दी बहुत ज्यादा, ये पकड़ो यार मैं जा रहा हूँ, मुझे टाइम गुजारा है, अभी चैलेंज पूरा करके जाते हैं ना। ओ भाई नहीं मैं नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, सर्दी बहुत, जैकेट भी पहनी हुई है, कंबल भी लिया हुआ, नीचे मैट्रेस है, हालांकि बहुत सर्दी लग रही है यार, ये पकड़ो यार, अभी भाई साहब बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे वॉशरूम बहुत तेज आया हुआ है, पकड़ लो यार ये अपना कैमरा, मैं जा रहा हूँ, रुक जा यार मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम और रुक जा यार, वॉशरूम बहुत तेज आया कसम से, कंट्रोल नहीं हो रहा मैं। तो भाई साहब मैं भी चलता हूँ ठीक है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी हम लोग इस चैलेंज को कंटिन्यू करें, लेकिन शरजील साहब को वॉशरूम आ गया ठीक है, और पहले भी हम लोग जब ये चैलेंज कर रहे थे घर वाले हमें, तब भी मतलब कह रहे थे कि भाई साहब ठंड लगवा लोगे, बुखार हो जाएगा ठीक है, तो अभी भी यकीन कर लो तुम लोग, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, हम लोग अपना पूरी कोशिश की है कि हम लोग इस चैलेंज को कंटिन्यू करें, और लेकिन यहाँ पे हमें, हमारे पास वॉशरूम भी नहीं है ठीक है, जहाँ पे मतलब और प्रॉपर वो सारे जो लोग इंतजाम करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है ठीक है, और हम लोग ये टेरेस से उस साइड पर जा भी नहीं सकते ठीक है, तो इस चैलेंज को फिलहाल इधर ही करते हैं एंड ठीक है। उम्मीद है आप सबको चैलेंज देख के मज़ा आया होगा, तो मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।